हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी मेरे दिल के काफ़ी करीब है क्योंकि ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इस रेसिपी का नाम है मूली की पापड़ी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है और पैन में मैंने हाफ कटोरी पानी लिया है। पानी को हम गर्म होने देंगे। एक हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून कलौंजी, 1 टीस्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून हींग और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल लेंगे और इन सबको मिलाकर पानी को हम अच्छी तरीके से बॉईल होने देंगे। जब भी थोड़ी सी बॉईल हो जाए तो अब मैं यहाँ पे एक कटोरी मूली ले रही हूँ जिसे हमने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। और इसे ग्रेट हम बिल्कुल बारीक वाले से नहीं करेंगे, जो मीडियम साइज़ की ग्रेटर होती है उससे हम ग्रेट करेंगे। इसके मेज़रमेंट के लिए हमने जिस कटोरी से मूली घिसा हुआ लिया है उसी कटोरी से हमने हाफ कटोरी पानी लिया था और एक कटोरी हम यहाँ पे मूली डाल रहे हैं। और अब मैं इसमें बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल दे रही हूँ और इन सबको मिलाकर हम इसे बॉयल होने देंगे। और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक हम डाल लेंगे। इन सबको डालकर हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून सोट का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें घिसी हुई अदरक भी आप ऐड कर सकते हैं। इन सबको डालकर हम लीड लगाकर इसे थोड़ी देर पकने देंगे। जब पानी अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए और मूली थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए तो अब हम इसमें चावल का आटा ऐड करेंगे। चावल का आटा भी हमने उसी कटोरी से लिया है जिससे हमने मेज़रमेंट के लिए सब कुछ लिया था। चावल का आटा हम एक कटोरी लेंगे लेकिन इसे हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। अगर आप एक साथ सारा डाल देंगे तो ये बिल्कुल लम्स बन जाएगी और अच्छी तरीके से गुधेगी नहीं। तो थोड़ा थोड़ा मैं ऐड करूँगी और इसे मिलाती जाऊँगी, लेकिन ये अभी बुरी तरीके से गुधेगी नहीं। जब ये आपने मिक्स कर लिया उसके बाद हम इसे किसी बड़े खुले हुए बर्तन में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो हम इसे अच्छी तरीके से गूंथ लेंगे और फिर इसमें हम थोड़ी सी ऑयल डाल करके इसे मिलाकर 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अब हम इसकी पूड़ियाँ बना लेंगे। तो इसके लिए हम चकला, बेलन, सभी पे हर एक चीज़ जिसका हम इस्तेमाल करेंगे उस पर हम थोड़ी सी ऑयल लगा देंगे। और अब मैं इसका एक बड़ा सा पोर्शन लूँगी और इसे हम बेल लेंगे, रोटी की तरह हम इसे बेल लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा इसे हमें पतला नहीं करना है। आप आराम से बेलें क्योंकि बेलने में ये थोड़ी सी साइड से फट भी सकती है। इसे थोड़ा सा मोटा हम बेल लेंगे और फिर इसे कुकी कटर से या ग्लास की हेल्प से या कटोरी की हेल्प से आप इसे कट कर लें। बड़े आराम से ये कट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरीके से कट होकर निकल गई है और इसकी थिकनेस हम इतनी ही रखेंगे। इसी तरीके से हम बाकी सारे का भी बेल कर करके उसे कट कर कर हम तैयार कर कर रख लेंगे। तो हमने सारी पूड़ियाँ बना करके, सारी पापड़ी बना कर हमने रेडी कर ली है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर ही हम गर्म करेंगे। एक छोटा सा पोर्शन हम डाल कर देख रहे हैं। अब हम इसमें पापड़ी को डालेंगे। जितनी आपकी पैन में, आपकी कढ़ाई में पापड़ी आराम से आ जाए उतना ही आप डालें। और इसे बहुत स्लो फ्लेम पे भी मत तलिएगा और ना ही बहुत हाई कीजिएगा। अगर आप स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी और अगर हाई पे करेंगे तो ये ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएगी लेकिन अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट सी रहेगी, अच्छे से पकेगी नहीं। आप देख रहे होंगे ये बहुत अच्छी सी इसमें एक कलर आ गई है। इसे हम चारों तरफ से पलट कर करके बिल्कुल इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। और इसे निकालते वक्त थोड़ी सी कढ़ाई इस साइड में करके आप इसे रोक लेंगे तो इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होगी वो निकल जाएगी। इसी तरीके से बाकी सारी पापड़ी को भी हम डालकर फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई होने में 1 से 2 मिनट ही लगेंगे लेकिन बिल्कुल तेज़ फ्लेम पे आप मत कीजिएगा, थोड़ी सी स्लो फ्लेम पे कीजिएगा और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक के आप इसे फ्राई कर लें। तो बस हमारी सारी पापड़ी बनकर तैयार हो गई है। आप देख रहे होंगे इसमें बहुत अच्छी सी कलर आई है और क्रिस्पी तो ये बहुत ज़्यादा है। आप इसे किसी भी सॉस के साथ, चटनी के साथ या दही के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। इसे आप ऐसे भी खाएंगे ना, चाय के साथ या एज ए स्नैक्स, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। और कहीं आप जर्नी में जा रहे हों, कहीं पिकनिक पे जा रहे हों, तब तो ये बहुत अच्छी सी स्नैक्स है।
आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए, इसकी आवाज़ बिल्कुल बाहर तक आ रही है, आपको अच्छी तरह से सुनाई दे रही होगी। ये एक बहुत ही हेल्दी स्नैक्स ऑप्शन है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट्स भी लिखकर ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।